Hello friends, my today's point is solution. इस point में हम solution से related study करेंगे, like solution की definition, मतलब solution होता क्या है, उसकी properties क्या होती हैं और कितने type के होते हैं. अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगता है, आप मेरे channel को like दीजिए, subscribe कीजिए and comment box में comment डालिए. Let me start our point. Solutions. ये वीडियो क्लास 9th का है और चैप्टर नंबर 2nd से रिलेटेड है. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन. मेन थिंग इज सॉल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. मैंने बोला कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन. अगर आप केमिकली देखें तो सॉल्यूशन मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है. नॉर्मली भी हम अपने घर में कुछ भी बनाते हैं, लाइक लेमोनाड बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, लेमोनाड डिफरेंट चीज होगी, वो मिक्सचर में आ जाएगा. अभी हम केवल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन में अगर आप वाटर लेते हैं, उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, एक हाथ में मेरे सॉल्ट है, एक हाथ में मेरे पास पानी है, आपने क्या किया, उसको उसमें डाल दिया, वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया और मिक्सअप होके जो भी हमारे पास आता है वो कहलाता है सॉल्यूशन. सो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है. वन थिंग इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. Here is solute is salt plus solvent is water. It is only a example. ये एक example है जिसमें आपने एक solute लिया है, एक solvent लिया है. Solvent solute का मतलब क्या है और solvent का मतलब क्या है, ये आपके सारी केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते रहेंगे, चाहे आप 11 पढ़ो 12 पढ़ो, तब तक आपके पास आएगा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे. सॉल्यूट उसको बोलेंगे द सब्सटेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन. जो चीज सॉल्यूबल होती है या डिसॉल्व्ड होती है, ये चीज डिसॉल्व होगी इस लिक्विड में. वाटर इज अ लिक्विड और इसमें ये जाके डिसॉल्व हुई, इसीलिए इसको बोला सॉल्यूट. और जो चीज डिसॉल्व होने के लिए काम में आती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट. अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक सॉलिड लेते हैं, हमें जरूरी नहीं है सॉलिड है, कभी लिक्विड लिक्विड का भी बनता है सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड का भी बनता है सॉल्यूशन. बट एक चीज जो हायर अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जो लो अमाउंट में है जिसे उसमें सॉल्यूबल करना है, जिसको सॉल्वेंट में सॉल्यूबल करना है उसे बोलेंगे सॉल्यूट. तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है. और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं तो एक न्यू फॉर्म को क्रिएट करते हैं, न्यू टाइप्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है और वो कहलाता है आपका सॉल्यूशन. लाइक दिस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट react to each other and form solution. Solution is always true अब true का मतलब क्या होता है. ट्रू का मतलब ये है, जैसे आपने कोई भी लिक्विड लिया उसमें अनादर वन सॉलिड को या फिर लिक्विड लिक्विड को या फिर सॉलिड सॉलिड को, जिसको भी आपने मिक्सअप करने की कोशिश करी है वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाता है और आपके पास एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं.
अगेन रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड इट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। अब होमोजेनस क्या होता है, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको होमोजेनस और हेटेरोजेनस कंप्लीटली पता चल जाएंगे। फिर भी यहाँ पे एक बार रिपीट कर रही हूँ कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर मिक्स अप टुगेदर कंप्लीटली, आल्सो बोथ साइज इज सेम एंड पर्टिकुलरली यूजफुल टू मिक्स अप। ये भी कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज होमोजेनस ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये भी बोल सकते हो आप कि जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की साइज की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे पार्टिकल जो कम्प्लीटली मिक्सअप हो सकते हैं एक दूसरे में और एक ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट देते हैं हमें, जिसमें हमें ये ना पता चल सके, आप ये ना कर सको कि आफ्टर फिल्ट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग अलग कर सको, उसे हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस के बारे में मैं यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, केवल मैं ये बता रही हूँ कि ये होमोजेनस होता है, जिसका मतलब ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल में कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं। मतलब पार्टिकल का साइज ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप होने वाला होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं होमोजेनस। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें देखी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स या जो सॉल्यूशन बनता है वो एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर होता है उसके, क्योंकि ये एक तरह का मिक्सचर है, दो चीज़ों से मिलकर बना, मतलब ये मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। ऑल्सो ये सॉल्यूशन हमेशा कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास हैं, लाइक सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कोका कोला आप सबने पिया है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज कोका कोला के रिप्लेसमेंट में हम लिख देंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स, नेक्स्ट इज ऑयल मिक्सचर, हियर इज एल्कोहल, सो ऑन। ओके, यहाँ पे ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए और शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन तो इन सब के बारे में हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आप डेली अपने घर में देखते हैं, आप इजीली अगर नहीं देखा है तो खुद वाटर लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी शुगर की लीजिए, एक्सेस क्वांटिटी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एक्सेस क्वांटिटी लेते हैं तब क्या होता है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम केवल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट और शुगर लीजिए थोड़ी लो क्वांटिटी में, उसको वाटर लीजिए और सॉल्यूबल करने की कोशिश कीजिए, आफ्टर सम टाइम कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा और एक ट्रू सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये दोनों पार्टिकल्स कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब मैं नेक्स्टली पढ़ाने जा रही हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टीज। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन होता क्या है, देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो
तो पहली चीज तो हमने देखी है ये होमोजीनस है, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फर्स्ट इज इट इज अ होमोजीनस, अब होमोजीनस क्या होता है आप सबको पता है, होमोजीनस भी बोल सकते हैं उसके साथ में, आपको बताइए ये एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे होमोजीनस का मतलब यही है कि दोनों के पार्टिकल कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है, उसमें बाय फिल्ट्रेशन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इनकी साइज होती है वो 1 mm nm और 10^-9 मीटर। इसकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है, मैंने बोला ये होमोजीनस मिक्सचर है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो जो इसकी पार्टिकल्स की साइज होती है वो 1 nm और 10^-9 मीटर, मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी मच स्मॉलर साइज के होते हैं, बहुत ही नैनो होते हैं, बहुत ही माइक्रो होते हैं। थर्ड पॉइंट है We can't see even with a microscope. Cannot see particles under microscope. मैंने पहले ही बताया कि इनके पार्टिकल्स की साइज 1 nm और 10^-9 मीटर है, मतलब बहुत ही ज्यादा माइक्रो है, और इसीलिए हम इसे माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा, फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर इज नॉट पॉसिबल। अगर हम फिल्टर पेपर से इनका फिल्ट्रेशन करना चाहें, हम घर पे भी देख लेना, आप सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना और उसे स्ट्रेनर हो गया, आपकी छन्नी हो गई, छानना चाहोगे नहीं छनेगा। इसी तरह से अगर आपने अच्छी तरह से पहले सॉल्युबल किया है तब, अगर आप तुरंत ही सॉल्ट डालोगे और तुरंत ही फिल्ट्रेशन करोगे हो भी सकता है, पहले इसे अच्छे से घोलना है उसके बाद में फिल्ट्रेशन करना है ताकि वो अच्छे से इसका सॉल्यूशन बन पाए। अब इसके सॉल्यूशन को अगर आप किसी भी फिल्टर पेपर से फिल्टर करना चाहोगे तो आप सॉल्यूट के पार्टिकल को और सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन एक बार बन गया तो वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इसके पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी मच स्टेबल होते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट बाय कीपिंग, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट है अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही अगर आपने क्या किया,
एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें इसका सॉल्यूशन भर दिया है। अब यहाँ से आप एक टॉर्च के यूज से लाइट को पास करने की कोशिश करते हो तो लाइट आपको इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देती है। क्या होता है कि लाइट होती है वो डायरेक्टली पास आउट हो जाती है, इसमें आपको सॉल्यूशन में लाइट नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज बहुत ही छोटी है, नैनोमीटर है। जब पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तब ही वो लिक्विड के अंदर, जैसे ही हम लाइट को पास करते हैं, उसके लाइट होती है उसे स्कैटर्ड कर देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। दिस इज फिफ्थ नंबर। सारे पॉइंट्स को, दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज। पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज में ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें पार्टिकल्स पूरे कंप्लीटली एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं और एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन देते हैं। सेकेंड नंबर है पार्टिकल की साइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर और 10^-9 मीटर होती है। जो सॉल्यूशन बन जाता है उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है उसकी बात की जा रही है। इसी वजह से ना तो हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ना हम इन पार्टिकल्स को, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग करने के लिए हम अगर फिल्टर पेपर का भी यूज करते हैं तो इजीली फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एंड लास्ट एंड मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अगर आप किसी टॉर्च से इस तरह से लाइट को डालने की टेस्ट ट्यूब पकड़ी है और उसमें से ऐसे लाइट डालने की कोशिश करोगे, आपको टेस्ट ट्यूब के बाहर लाइट दिखेगी लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, ये इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो उसमें नहीं दिखाई देती है। अब हम अपना लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं और लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन होता है वो केवल सॉलिड और लिक्विड के बीच में नहीं बनता है। वैसे तो बनता सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी है, लेकिन इसके अलावा सॉलिड सॉलिड के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, गैस गैस के बीच में भी सॉल्यूशंस बनते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल है ब्रास। ब्रास इज मेड बाय द मिक्सचर ऑफ जिंक प्लस कॉपर। यहाँ पे हमने देखा सॉलिड होता है वही सॉलिड के अंदर मिक्सअप, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। जब दोनों ही सॉलिड सॉलिड है तो इनका मिक्सचर बनेगा और एक न्यू प्रोडक्ट आएगा जिसे ब्रास बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी बन सकते हैं। तो जिंक होता है उसको मेल्ट किया जाता है, कॉपर को मेल्ट करते हैं और दोनों को मिक्स करके ठंडा किया जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट बन के आता है। इसीलिए हमने बोला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड, सेकेंड वन इज माई सेकेंड इज सॉलिड इन लिक्विड। अगर आप सॉलिड इन लिक्विड की बात करोगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे। मैं एक लिख देती हूँ, सुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सुगर है वो सॉलिड है,
और सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर है। तो आपने किसको किसको बनाया, शुगर प्लस वाटर। सो हियर इज शुगर सॉलिड, वाटर इज लिक्विड। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड इज लिक्विड। थर्ड इज लिक्विड इन अ लिक्विड। विनेगर, आप सबको पता है हमारे घर में भी हम विनेगर, चाउमीन सबने खा रखी होगी, चाउमीन में क्या डालते हैं हम, विनेगर डालते हैं। अचार बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं। सबके घर में विनेगर अवेलेबल होता है। अगर उस विनेगर में देखोगे और आप स्मेल करोगे, आपको थोड़ी सी उसकी स्मेल एसिडिक लगेगी, थोड़ी तेज लगेगी, तो कभी स्मेल करके देखना, पता चल जाएगा आपको। सो विनेगर होता है, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। विनेगर इज अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोनों ही लिक्विड है, एसिटिक एसिड इज लिक्विड एंड वाटर इज लिक्विड। आपको पता है एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है और ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, इसीलिए हम इसे खाने में भी यूज करते हैं। फोर्थ टाइप इज गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल इज सोडा वाटर। सोडा वाटर जो बनता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको वाटर में मिक्सअप किया जाता है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे CO2 गैस है और वाटर लिक्विड है। लास्ट फिफ्थ नंबर इज गैस इन अ गैस। गैस इन अ गैस, हमारे सराउंडिंग जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एक तरह का गैस का गोला है। बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिक्सअप हुई हुई हैं, जो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी बहुत सारी गैसें होती हैं। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में, सॉरी वो तो वाटर एंड गैस हो गया, बट इसी तरह से बहुत सारी गैसें होती हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप होती है। जैसे नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल अदर गैसेज आर सॉल्यूट। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरा गैसों से मिलकर बना है, तो बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिक्सअप रहती हैं। नाइट्रोजन होती है उसकी क्वांटिटी हाई होती है, और नाइट्रोजन क्या होता है कि अदर गैसों को अपने में मिक्सअप करके रखता है, इसीलिए हमने बोला गैस इन अ गैस। तो नाइट्रोजन हो गया वो सॉल्वेंट हो गया हाई क्वांटिटी में, और सॉल्यूट लो क्वांटिटी में चाहिए जो अदर गैसेस हो गई। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं सॉल्यूशंस की। अगर सॉलिड इन सॉलिड तो ब्रास हो गया, जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, दोनों सॉलिड होते हैं। इसी तरह से सॉलिड इन लिक्विड, सो शुगर सॉल्यूशन हो गया शुगर एंड वाटर, वन इज Another one is water. Next, third number is liquid in liquid, meaning vinegar. Vinegar में acetic acid और water दोनों से मिलकर बना है। यहाँ पे acetic acid liquid है और water भी liquid है। Fourth one is gas in liquid, soda water. So यहाँ पे carbon dioxide gas होती है, वो water में soluble होती है।
लास्ट वन इज गैस इन गैस. सो हमारा जो अराउंडिंग सराउंडिंग जो पूरा एनवायरनमेंट है वो गैसों से मिलकर बना है. तो एक एक गैस अलग अलग तो होती नहीं है, गैसें एक दूसरे में मिक्सअप रहती हैं. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो सॉल्वेंट का काम करता है, वो ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है. और नाइट्रोजन में दूसरी सारी गैसेस होती हैं वो मिक्सअप रहती हैं, घुली हुई रहती हैं, जो सॉल्यूट का काम करती हैं. इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस रेडी हो गए. सो इस वीडियो में, ये थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेगा कि सॉल्यूशन होते क्या हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं और सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं. आपको कम्प्लीटली जैसे आपकी बुक में मैटर अवेलेबल है या आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैंने इसी तरह से इजी करके एक्सप्लेन करने की ट्राई की है. सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप उसे लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए. अगर आपकी कोई क्वेरी है आप सेंड कीजिए. और अगर कुछ अदर्स भी आप चाहते हैं, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको कोई मार्कर में प्रॉब्लम है तो आप सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.